कराची में सूरज आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों का घरों से निकलना महाल है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से घर में रहना भी आसान नहीं। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो फिर बहुत गर्मी लगती है, दिल चाहता बाहर जाओ चली जाओ। और लाइट तो थोड़ी थोड़ी सी आती है, ज्यादा थोड़ी आती है। अगर माँ कंप्लेन करते हैं तो माँ कोई सुनवाई नहीं है, हमारे पास इंतजामिया नहीं है, हमारे पास जो है गाड़ियों का इंतजाम नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। कहीं दिन में 3 मर्तबा तो कहीं 4 मर्तबा बिजली जा रही है। तकनीकी खराबी और मरम्मत के नाम पर भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। गर्मी में लोड शेडिंग से परेशान शहरियों के सबर का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। दो दो तीन तीन घंटे बिजली जा रही है। दिन में 3 घंटे तो कोई मसला ही नहीं लाइट जाने का। बिजली नहीं होगी तो बंदा क्या करेगा, बिजली के बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है ना। दुकानों और मार्केटों में बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका भी परेशान है, जबकि सनाती इलाकों में 12 से 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन मोहसिन रशीद के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची।